हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट बाय लाइबा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि टाइटल से आपको पता चल ही गया है कि आज के ब्लॉग में मैं अपना नारायण का गान का टूर शेयर करने लगी हूँ। तो गाइस, सीन ये है कि अभी हम लोग बाबू साहब ऊपर खड़े हुए हैं और बाकी फैमिली मेम्बर्स का वेट कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आप लोगों को दिखा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो फाइनली 2 आवर्स ट्रैवलिंग के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और मैं इस वक्त कलर कहार के कैंप पर हूँ। और ये देखिए मेरे सामने कितना ऑसम व्यू है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज शेयर करूँ। सो फाइनली हम नारायण पे आ चुके हैं और बहुत 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 ज़्यादा थक चुके हैं। 13 आवर्स का हमारा ये सफ़र था और इस वक्त टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। तो हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है और इस वक्त हम अपने होटल में हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, टाइम हो रहा है 10 o'clock और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। और मतलब मैंने सुबह सबसे पहले उठते ये सीन कैप्चर किया है और मेरी मतलब मामा ने मुझे स्पेशली इसलिए उठाया कि बाहर जाके देखो कितना ऑसम व्यू है। और ये बर्फ़बारी नहीं है, ये बादल है, ठीक है। और ये ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बिल्कुल करीब है। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग बाद में कर रही हूँ क्योंकि इस पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे तो मैं कम्फर्टेबल नहीं थी उनके सामने रिकॉर्डिंग करने में। अच्छा, तो अब मैं जा रही हूँ कुन्हार रिवर। टाइम इस वक्त 1 बज रहा है और थोड़ी देर पहले हमने ब्रेकफास्ट किया है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और अभी मैं घर में बैठी हूँ। सो फाइनली हम कुन्हार रिवर आ गए हैं और 20 मिनट्स का ये रास्ता था, 20-30 मिनट्स का, करीब ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। और जगह बहुत प्यारी लग रही है देखने में। फाइनली हम आ ही गए हैं अच्छा खासा चलने के बाद और यहाँ कोई झील आई थी। क्या नाम है इसका? तो ये भी क्या नाम है? ललूसा झील। ओके, अभी हम वहाँ जाते हैं। बना नहीं हूँ मैं। ये हिल रही है। ओके, नबी थोड़ा साइड पे हो, चलो चलते हैं। देखें ये हिल रही है और देखें कितना प्यारा है। ये देखें गाइस, इट्स ऑसम यार, ये हिल रहा है और इतना हिल रहा है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। वो देखिए, ओ पता नहीं क्या awesome। गाइस यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, सीरियसली अच्छी खासी बारिश हो रही है और हम लोग बारिश में देखिए कैसे यहाँ पे दिख रही है, सब पिक्चर्स ले रहे हैं और लाइक फुल एंजॉय हो रहे हैं। और सर्दी भी लग रही है वैसे, ऐसी बात नहीं है। और वो देखिए अच्छा, तो अब हम वापस जा रहे हैं और हमने यहाँ 20-30 मिनट्स स्टे किया है और व्यू बहुत आसान था बट बारिश हो रही थी जिस वजह से हम लोग अच्छे खासे भीग चुके थे। अलग रही बारिश रुक जाए वरना हम कहीं और नहीं जा सकेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है बारिश में तो बाहर निकल ही नहीं सकते। सो व्यू बहुत आसान था। गाइस, सीन अभी ये है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। टाइम से 10:30
और तब से हम होटल में बैठे हुए हैं। और बेड लग चेक करो, बारिश ने तो कसम खाई है कि मैंने नहीं रुकना। आप लोगों को आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि बारिश कितनी तेज़ हो रही है। सो मैंने सोचा मैं व्लॉगिंग कर लूँ। और बट अभी सीन ये है कि हम अभी डिनर करेंगे, देन हम उस जगह पर जाएंगे। फाइनली हम मालपे आ गए हैं और यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। और ना तो हमारे पास अम्ब्रेला है ना ही कुछ है। सब लोग हैं अच्छा। तो मुझे यहाँ मिले पबजी के प्रो प्लेयर, जिनको कोई ख्याल नहीं था कि शॉप पे इतने ज़्यादा कस्टमर आए हैं तो इसको अंदर रखते हैं। वो बड़े मज़े से मगन थे अपने गेम में। और क्या, और हम में से किसी ने मास्क नहीं पहना। नहीं फिर गाइस गुड मॉर्निंग, एक और सुबह और फाइनली बारिश रुक गई है। बट सीन ये है कि हम लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का मसला बहुत है और सब कह रहे हैं कि यहाँ से निकलो। सो हम लोग निकल रहे हैं, बस यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे और मे बी प्लान चेंज हो जाए, बट अभी तक तो यही। अच्छा तो फाइनली सीन चेंज हो गया है और हम लाहौर नहीं जा रहे, और अभी इसमें हम सैफुल मुल्क जा रहे हैं और एक दिन और स्टे करेंगे। सो जीप्स आ गई हैं और हम लोग जीप्स में बैठ रहे हैं। अच्छा तो अब हम सैफुल मुल्क आ गए हैं और 20-30 मिनट्स का ये रास्ता था, बहुत ही ख़राब और ख़तरनाक रास्ता था ये। अच्छा तो अब हम बोटिंग कर रहे थे और बहुत ज़्यादा सर्दी थी और ऐसे लग रहा था जैसे दादा बिल्कुल हमारे पास हैं, और व्यू बहुत असम था सीरियसली। चीनी का ये लो, ये लो, ये लो मार्च इसका किस साथ करते हैं पूरा इंतजाम। कावा जी, कावा गरम कावा अब तो इस तरह कभी भी नहीं चलेगी, दूसरी चीज़ें खुद लाएंगे। नहीं मैं भी कह रही हूँ ये ले भाई, अब वो दूसरी चीज़ें जलाएगी। वैसे मैं यहाँ से माचिस थोड़ी कुदरती शायद में नमी नहीं होती, मैं तो बोलो को मालूम माचिस की मैं जलाती हूँ ये पकड़ो। वैसे मुश्किल होगा, हवा बहुत सील गई, सील गई वो बैग में थी ना, मैंने अभी जलाई है। हवा बहुत है। लाइटर, लाइटर हाँ मेरे पास, वो तो बैग में। हाँ मैं भूल गया, क्या कर लो। चलो टाइम जाया हो भाई, इसकी सबसे अच्छी पहचान है आंख में लगा लें, असल शायद आपको लगते हैं आंसू बैग। मिट्टी लगेगी, मिट्टी लगेगी, पहले अपनी आंख में लगा दो फिर आप। ना ना लगाओ, रहने दो। आंसू बैग की आंख साफ हो जाएगी, गलत शायद होगा आंख को चिपका देगा। क्या रेट मिलेगा यार? सर ये आपका जो है ना 800 रुपये लगा, 750 लगा। दो कर 600-700 रुपये लगाऊंगा आप। हमारे इलाके में क्या रेट है फार्मी जो फार्मी? सर ये फार्मी नहीं है जी, बता दो 450 रुपये किलो है। सर मैं 300 का ला दूंगा फार्मी जो डब्बे के अंदर में, उसकी मेरी गारंटी नहीं होगी, इसकी मेरी गारंटी होगी ये जमेगा नहीं, खराब नहीं होगा, वो खराब हो जाता है, वो पत्थर बन जाता है। दो डब्बे हम
घूमने फिरने जा रहे हैं। अच्छा तो अभी सीन ये है कि अब हम लाहौर जा रहे हैं, आज हमारा लास्ट डे है। सो अभी थोड़ी देर तक हमने ब्रेकफास्ट करना है और टाइम इस वक्त हो रहे हैं 10 बज रहे हैं और रास्ते में हमने किराए पे भी रुकना है। सो सिम चलती है और बाकी मतलब कोई सिम नहीं है वहाँ चलती, जस्ट सिग्नल्स आते हैं बट डेटा यूज़ नहीं होता। सो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट बेल आइकन। खुदा हाफिज़।